संदीप घोष एक ऐसा नाम जो लगातार चर्चा में है, और जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये बिल्डिंग वही है, यानी प्रिंसिपल भवन जहाँ पर संदीप बैठते थे, और यहीं पर सीबीआई की टीम भी आई थी। जाहिर सी बात है कि जो जांच का दायरा है लगातार बढ़ रहा है और संदीप घोष की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। अगर पूरे इस अस्पताल के कैंपस को देखें तो ये समझ सकते हैं कि चारों तरफ जिस तरीके की बिल्डिंगें हैं उसके बीच में किस तरीके से एक बेटी के साथ नाइंसाफी हुई, उसकी हत्या कर दी गई और उसका रेप हुआ। कोलकाता, पूरा कोलकाता इस कांड को लेकर के रोष में है और देश भर में विरोध प्रदर्शन की आवाज़ है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल बिल्डिंग है यहीं पर संदीप घोष बैठता था और उस पर अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर फोर्स की भी तैनाती है। और एक खास बात तो ये है कि वो डॉक्टर जितने भी अस्पताल हैं यहाँ पर, उन सभी जगहों पर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है, यानी इंसाफ की लड़ाई और तेज हो गई है। और यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी अब इस आंदोलन में पूरी तरीके से कूद गई हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी की मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली है। आक्रोश एक बेटी के इंसाफ के लिए, आक्रोश एक ट्रेनी डॉक्टर के लिए, आक्रोश भारत की बेटी के लिए, और आक्रोश उन तमाम महिलाओं के लिए जो काम करती हैं। आक्रोश यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है उस बेटी के लिए जो यहाँ पर डॉक्टर थी और उसकी निर्मम तरीके से रेप के बाद हत्या कर दी गई। और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, आप जरा देखिए। जैसे ही आप आरजीकर अस्पताल में घुसते हैं, वी वॉन्ट जस्टिस, न्याय की मांग के लिए ये पूरा मंच है और यहीं पर तमाम सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इसके आगे की तस्वीरें अगर दिखाएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा आपको कि किस तरीके की विभत्सा हुई थी, कितनी पीड़ा है लोगों में। और कोलकाता की गलियों में आप जहां भी जाते हैं लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, और सिर्फ कोलकाता में ही नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल वही कि इंसाफ की ये लड़ाई पहुँची कहाँ है। इंसाफ की इस लड़ाई के बीच आप जरा इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से एक डॉक्टर का बाना पहना करके और यहाँ पर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, और यहीं पर डॉक्टर जो है आकर के बैठते हैं। इन तस्वीरों के ठीक ऊपर अगर आप जाएंगे तो तमाम सारे पोस्टर लगे हैं, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही तमाम सारे बंगला में कुछ पोस्टर हैं, और अगर यहाँ देखिए तो किस तरीके से खून से सने सने हाथ हैं। और इसके अलावा अगर आप पीछे आते हैं तो पीछे आने पर आप साफ देख पाएंगे, ये देखिए तस्वीरें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और बता रही हैं कि क्रूरता किस हद तक हुई है। और अगर पूरे इस पोस्टर को देखेंगे आप जरा देखिए कि डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। तस्वीरें अपने आप में एकदम पूरी तरीके से उकेर दी गई हैं। जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी की जंग भले ही वो बेटी हार गई है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। और पूरे कोलकाता में जितने भी डॉक्टर हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी आज आंदोलन कर रही है, और तृणमूल कांग्रेस भी अब कह रही है कि वो भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये जंग अभी और खिंचने वाली है। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, और इस समय हम धर्मतला में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के लोग यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, जिसको खास करके ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का। लेकिन वो भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन की बात कर रही हैं। यहाँ कुछ लोग हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी बताइए ये धरना प्रदर्शन क्यों? भारतीय जनता पार्टी
ये धरना प्रदर्शन आरजी कल में जो रेप हत्याकांड हुआ है उसके प्रतिबाद में ही हम लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये हमारा सेकंड धरना प्रदर्शन है जो हार्ट ऑफ द सिटी जो हमारा प्लैनेट है यहाँ से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को जस्टिस चाहिए और जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा इसी तरह भाजपा जमीन में उतरकर आंदोलन करती रही है, आगे भी करती रहे। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अगर ममता बनर्जी को ये लगता है तो उनकी क्या बोले, विडंबना है ये उनका, या तो वो इस तरह से बात करिए, उनको कोई बुद्धि नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं, पूरी जनता बंगाल की ही नहीं पूरी भारत की जनता इस आजकल रेप हत्याकांड के बारे में जान चुकी है और ममता बनर्जी को थू थू कर रही है, लेकिन उन्हें तो अपनी राजनीति बचानी है। तो वो बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपको लगता है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जिस हम लोग बंगाल को हम लोग कहते थे, इसके पहले भी सरकारें आई हुई है, उस समय भी हम लोग इतना अत्याचार नहीं सुन रहे थे जो महिलाओं के ऊपर ममता बनर्जी के आने के बाद में अत्याचार। जाहिर सी बात है, अगर अत्याचार की बात कर रहे हैं, कुछ और युवा साथी यहाँ बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि क्या सच में महिलाएं सुरक्षित नहीं है बंगाल में? पहली बात तो यह है कि पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता और भयभीत सरकार चल रही है, जहाँ पर साधारण लोगों के का जो आवाज है, वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल, उसको दबाया जाता है। आपको पता होगा कि विगत 15-20 दिन पहले आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार करके उसका खून कर दिया गया था। वहां बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कलकत्ता की जो पुलिस है, जो टीएमसी के कहने पर चलती है, उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के यह घोषणा कर दी थी कि हमारी जो ये तिलोत्तमा बोलिए, अभया बोलिए, इसने सुसाइड किया है। पर मतलब आपको बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है? नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर आरजीकर अस्पताल के सामने हमने उतरकर आंदोलन किया था कि हमें कलकत्ता की पुलिस के ऊपर एकदम भरोसा नहीं है। हमारा डिमांड था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। हम हाई कोर्ट से ये ऑर्डर जीते भी थे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उस अस्पताल में जो ये हत्याकांड हुई है उसका इन्वेस्टिगेशन करे, और हमने जीता भी। और आज सीबीआई के हाथों ममता भी तो धरना प्रदर्शन कर रही है, वो कह रहे हैं बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहा है, वो भी धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में डाइवर्सन की राजनीति बहुत चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में जनसाधारण रास्ते पर उतर चुकी है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आप बताइए क्या लगता है कि आंदोलन से न्याय मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये घटना घटी है इसके विरोध में आंदोलन करती रहेगी, जब तक ये सजा नहीं मिल जाता उनको तब तक के हम लोग का धरना मंच चलता रहेगा। हम लोग जो हमारी बहन के साथ जो कुकर्म हुआ है इसके विरोध में हम लोग सब समय ठीक है। बाबूजी आप बताओ, आप धरना पे बैठे हैं, क्या निर्णय निकलेगा, उसको न्याय मिलेगा, इंसाफ की लड़ाई जीतेंगे आप? जरूर मिलेगा, जरूर जीतेंगे हम। और ममता से भरोसा नहीं है आप? एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों से खाली लूट और नारी धर्षण, पिछले संदेश खाली कांड में शाहजहां, ये सब इतने सारे दिखाई दिए जिससे उनके ऊपर भरोसा नहीं आता है। ये एकदम कंगाल कर देगा बंगाल को, एकदम इसमें कोई संदेह नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये जो मंच है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। कुछ युवा साथी हैं, आप बताइए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो अपना यहाँ पे रेप केस हुआ है इसको लेके मैं एक बात बोलूँगा। देखिए, ये जो है एक नॉर्मल पब्लिक की मानसिकता को आप ठीक नहीं कर सकते, उसकी मानसिकता क्या है वो हम लोग ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर का जो हम लोग का यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कमी है, इसको हम लोग को मजबूत करना होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है उससे हम लोग कानून सख्त करके इन लोग को सजा दिला के ये चीज़ रोक जरूर सकते हैं, लेकिन अगर वही लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे हम लोग लागू कराने वाला पुलिस ही इन लोग एक दरिंदों जो भी उन्होंने रेप किया जो दरिंदा उनके साथ देंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ और लोग भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन से आप जो है ये जंग जीत जाएंगे? ऑब्वियसली हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि ये जो ममता बनर्जी जो कर रहा है ये सब गलत कर रहा है। वो जब सत्ता में आया था तब जब जितना टाइम है वो बंद बोलते थे, आज की बंद नहीं पालन करने दे रहा है हम लोग, उसका डर आ गया। जो हम उनको अगर बंद करने देंगे तो ये लोग सत्ता में आ जाएगा,
उसलिए हम लोग का विरोध कर रहा है, पुलिस को लगा दिया है हमको हटाने के लिए। दरअसल इस पूरी लड़ाई में सत्ता की लड़ाई भी है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, युवा हैं और इसलिए इनकी बात जानना बेहद जरूरी है। क्या इंसाफ की लड़ाई धरने प्रदर्शन पे आ गई है? कोलकाता में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या सच में उस बेटी को इंसाफ मिलेगा, आपको उम्मीद है? देखिए, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप लोग जो मीडिया के आदमी लोग, जिस तरह से उस दिन जो छात्रों का आंदोलन में आप लोग साहसिकता परिचय दिया, उसके लिए मीडिया के समस्त पदाधिकारियों को और मीडिया के सभी प्रतिनिधि को सबसे ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। आप लोग अवगत होंगे, भारतवर्ष के सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया ने जो मीडिया के सामने बयान दिए हैं, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जो सोशल मीडिया में आया है। समाज शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छिपा लेता है। वो पूरे देश को पता है कि राष्ट्रपति ने क्या कहा है। आखिरी में ये भी बात समझने की है कि इस दौर में जब पूरे पश्चिम बंगाल में इंसाफ की लड़ाई एक नए जोर के सामने आ रही है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिले, तब इस धरना प्रदर्शन को राजनीतिक होने का क्या नफा और नुकसान है, ये जरूर देखना होगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कोलकाता। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अब राज्यपाल से मिलने पश्चिम बंगाल के प्रमुख और तमाम बीजेपी लीडर इसी स्थान पर आए हैं और उनसे शिकायत करेंगे ममता के उस बयान की जिसमें उन्होंने आग लगने की बात की है और नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। जाहिर सी बात है कि अब जस्टिस की लड़ाई एक नए दौर में प्रवेश कर गई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सीधे सीधे आमने सामने आ गए हैं। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कोलकाता। आक्रोश जनता का, आक्रोश राजनेताओं का, आक्रोश पूरे कोलकाता का, आक्रोश पूरे देश का। जाहिर सी बात है कि जंग के इस दौर में जब सब लोग आक्रोश की बात कर रहे हैं, तब ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या इंसाफ की लड़ाई सही दिशा में है, क्योंकि यही दिशा तय करेगी कि कोलकाता की उस बेटी का, उस डॉक्टर का जो मौत के काल के गाल समा गई, उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर ममता सरकार भी विरोध प्रदर्शन की बात कर रही है। सड़कों पर संग्राम है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा, आगाज तो हो चुका है। जब देश की राष्ट्रपति कहती हैं कि उनको डर लगता है, तो समझिए कि आम आदमी की क्या स्थिति होगी। यही सवाल हर आदमी पूछ रहा है कि आखिर इस दौर में जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं है, तो उनके आगे बढ़ने और उनके पढ़ने की बातें आ कहां से रही हैं? सवाल यही है कि दिल्ली से लेकर के पूरे देश में एक शोर है, उस शोर के बीच में कहीं इंसाफ की आवाज दब न जाए। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, बंगाल तक, तमाम जगहों पर अगर आप जाएं, तो साफ समझ सकते हैं कि लोगों के बीच एक आक्रोश है जिसको पढ़ना बेहद जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य कि शायद ममता बनर्जी इस आक्रोश को नहीं पढ़ पा रही हैं और इसे विरोध के स्वर को राजनीतिक करार दे रही हैं। मंत्री कार्यालय से लेकर के राजभवन तक सब जगह चर्चा है कि कोलकाता की उस बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा। सड़क से लेकर के और तमाम गलियों तक में इसकी चर्चा है कि आखिर ये इंसाफ की लड़ाई कहां जाएगी। कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है कोलकाता की इन गलियों में। आप ही बताइए, ये जो लड़ाई ये चल रही है खास करके इंसाफ देने की, आपको लगता है अंजाम तक पहुंचेगी? तो जरूर कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा ना, इसीलिए तो पूरा पब्लिक तो भर गया ना, इसीलिए तो न्याय विचार के लिए तो लोग हल्ला कर रहा है ना, न्याय के लिए। तो सरकार सुन नहीं रही है क्या? सरकार सुन नहीं रही, सरकार का बात है ये, तो मुझे पब्लिक का बात है, न्याय विचार चाहिए, इन सब चाहिए। अच्छा ठीक है, आपसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बेटी के साथ इतनी नाइंसाफी हुई, रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, आप लोग क्या सोचते हैं? हम सोच रहे हैं कि जो सब प्रोटेस्ट कर रहा है, मतलब वो एकदम सही है, प्रोटेस्ट करना चाहिए।
मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर राजभवन तक उस हत्याकांड की गूंज है, उस बेटी को इंसाफ दिलाने की गूंज है। और जब आप कोलकाता की गलियों में होते हैं तो उसको महसूस कर पाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी बात है और आंदोलन को लेकर के, खास करके जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या सरकार सही कदम नहीं उठा रही है या भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, उनका क्या? आप ये बताइए कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको कैसे देख रही हैं आप? पहली बात तो हमारे यहाँ पे जो सीएम है वो लेडी है, उनको इस चीज का पूरा समर्थन करना चाहिए कि एक जो वो लड़की के साथ हुआ है, आज को मैं हूँ, आज ये मेरे साथ भी हो सकता है तो सेम चीज किया जाएगा। मैं उस जगह पे अपने आप को रख कर देखती हूँ, ठीक, वो भी किसी की बेटी थी। उसके लिए हम लोगों को ये चीज जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चीज हम लोग मतलब ये सबके लिए है, ये चीज हम लोग चाहते हैं कि हमारी सीएम हमारा सपोर्ट करे इस चीज में। हम लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। वो कह रही है कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है जबकि ये न्याय के लिए हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग उनके खिलाफ जा ही नहीं रहे हैं, हम लोग एक आम स्टूडेंट आम जनता उनसे सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। बस हमें यही चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न्याय चाहिए। आप ये बताइए आप क्या सोचते हैं? जस्टिस मिलना चाहिए, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये एक हो गया, इसके अलावा दूसरा नहीं हो। इसके लिए आज जो सारा कोई अगर उतरा है जम रोड पर तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है, सरकार फेलियर हो रहा है, इसीलिए सरकार सपोर्ट करे इसको और इसको जैसे हो जल्द से जल्द उस लड़की को जस्ट। पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि वो सही से काम नहीं कर पा रही, खासकर जो आरोपी है उसको वो पुलिस कमिश्नर के नाम की गाड़ी जो थी वो चला रहा था। ये हम लोग इन चीज को ये मानते हैं कि हम लोगों की मतलब जो वो हो रहा था वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ वो हमारे घर के वहीं पे हुआ, आम जनता के ऊपर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि हमारे घर के वहाँ पे ये चीज हम लोग को बोला गया कि हम लोग पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, पर ये चीज नहीं हो रहा। हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर भी टियर गैस छोड़ा गया था हमारे घर के वहाँ पे। मैं यही बोलना चाहूंगी सबको यही चीज के लिए कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो इसमें आरोपी है उसको कड़ी से सजा दी जाए, उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए, प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए। और सवाल इसी बात का है, आप ही बताइए क्या लगता है कि यहाँ की पुलिस ऐसी है जो न्याय के लिए काम कर रही है? पुलिस नहीं, ये तो ममता बनर्जी करवा रही है ना, क्या करवा रही है? पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस को जो बोला जा रहा है वो कर रही है। क्या करवा रही है, सही नहीं कर रही है कि सही कर रही है? गलत कर रही है। क्या गलत कर रही है? जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। देखिए आप जहां पर हम बात कर रहे हैं वो राजभवन से, जरा मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि देखिए राजभवन की जो दूरी है वो महज 100 मीटर की दूरी है। और जब आप यहां पर होते हैं तो कोलकाता के लोग इस घटना को अपने अंदाज में देख रहे हैं, अपने दर्द में महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो पुलिस कर सकती थी, खास करके एक महिला मुख्यमंत्री थी वो कर सकती थी, उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया, वो भी तब जब वो भी एक आंदोलन से जन्मी नेता थी। शायद ममता बनर्जी आज भूल रही हैं कि वो भी एक आंदोलन, यानी वो भी एक बड़ा लीडर तब बनी जब इस तरीके के आरोप पर वो लड़ाई लड़ी, तमाम महिलाओं की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज स्थिति ये है कि ममता बनर्जी का रुख सीधे सीधे बदला नजर हुआ आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर लोग उनके फैसले का न सिर्फ सवाल उस पर उठा रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि न्याय की लड़ाई बहुत जायज है। कैमरा पर्सन सरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कोलकाता, राजभवन।